आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्केलर प्रोडक्ट का। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, दो लाइन की बातें हैं, कर चुके हम लोग। क्या अभी क्या लगाएंगे मीटिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जो कि बहुत सारी बातें अच्छी होती है, एक तो जिसको मन चाहे उसको आप रिमूव कर सकते हैं, पहली बात, जो कि जियो मीट में नहीं होते अभी। और दूसरा बात कि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे वो अलाउ नहीं करेगा क्लास। और जियो मीट में क्या है, डायरेक्ट लिंक के थ्रू कोई भी क्लास अटेंड कर लेगा बिना आपके परमिशन के। जैसे अभी दो बच्चा था, अनवांटेड बच्चा लग रहा था, उसको पढ़ने उठने से पता नहीं कोई मतलब था। और तुम लोग किसी को अगर लिंक शेयर करो, अगर हमें पता चल गया कि तुम किसी को लिंक शेयर कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही देंगे, गलत सलत पढ़ा के, है ना, सारा कंसेप्ट ही गलत पढ़ा देंगे, घर जिंदगी भर रोते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। धरती गोल है, हम धरती पे हैं कि धरती मेरे ऊपर है। इसलिए बाबू लिंक विंक शेयर किसी को अपने मन से मत किया करो, पहली चीज है। वैसे पासवर्ड आप डेली चेंज करेंगे, और अगर लिंक बाहर गया तो फिर सोच लो क्या होगा। नहीं, कोई बच्चा किया है बदमाश, हमको पता है, होशियार सब है, इसलिए मारेंगे ना, चल सी खींच लेंगे। चलिए, जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं ए और बी, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर मान लो बी है। समझना ये कहना क्या चाहता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या बातें निकल के आएंगी उसे समझ लीजिए। ठीक है, और मान लो ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा, ओ ए बी मान लो। ठीक है, तो यहां पे है क्या, एयर थीटा, एंगल बिटवीन एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब सुनो जरा, अब देखना करना क्या है तुम्हें। हम लोग चले गए बी पे टॉर्च लेके, ठीक है, बी पे टॉर्च लेके टॉर्च को जला दिए, फिर करना बातों को। बी पे गए और बी पे टॉर्च लेके टॉर्च जला दिए, तो क्या होगा, बी का शैडो बनेगा। यस, हाँ ना, बी का शैडो बनेगा। बी का शैडो कहां बनेगा, इस एरिया में भी बनेगा, इसके पीछे। हमें बी का शैडो इस एक्सिस पे चाहिए, आई बात समझ में। तो बी का शैडो इस एक्सिस पे जब बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, समझना, बी का शैडो जब इस एक्सिस पे बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ये वाला बात करेगा। यानी ए पे, समझना बात को, ए पे बी का इतना वैल्यू आएगा, नहीं समझ रहे, बी का शैडो ए पे इतना ही बनेगा। अगर आप इसको सीधा टॉर्च दोगे ना, मतलब ऐसे नहीं, सीधा टॉर्च दोगे परपेंडिकुलर में, तो बी का शैडो ए पे बनेगा इतना, इतना बनेगा। इसे तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये है बी का वैल्यू, बी का कंपोनेंट ओ ए के अलाउ इतना होगा। हम लोग कल ये सीखे थे, बी का कंपोनेंट ओ ए के अलाउ इतना होगा। ये वही वैल्यू देता है जो वैल्यू, मतलब सेंस के लिए, कि टॉर्च जला के बी पे या परपेंडिकुलर टॉर्च जला और बी पे ये वैल्यू प्रोजेक्ट हो जाए, तो बी पे, सॉरी ए पे बी का वैल्यू प्रोजेक्ट हो रहा है। यहीं से देखो टर्म क्या बना, ए पे बी का वैल्यू प्रोजेक्ट हो रहा है, समझ रहे बात को, है कि नहीं। तो ये वैल्यू नाम दे दिए इसका एम, इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं एम।
ठीक। नाम दे दिए इसका एम। दिस वैल्यू इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी एंटिटी। ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू बी कॉस थीटा आएगा ओएम। यहां पे अगर तुमसे ओएम पूछा जाए, नहीं अगर आपसे ओएम पूछा जाए, इस ओएम का वैल्यू क्या होगा, बी कॉस थीटा। यस ओ बी कॉस थीटा। इस ओएम को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, बी कॉस थीटा। बोलो है ना। एक लाइन देख लेते हैं, लाइन के सेंटेंस में थोड़ा एक्यूरेसी सोच रहे हैं कि सेंटेंस एक्यूरेट लिखा है, नहीं तो मतलब हो सकता बदलना जाए। यस, प्रोजेक्शन ऑफ, देखो हमने क्या कहा कि बी प्रोजेक्ट हुआ है किस पे, ए। इसको यही पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ए पर, ए पर बी का प्रोजेक्शन क्या है, ओ एम, जिसका वैल्यू बी कॉस थीटा लिखे। इसको क्या नहीं पढ़ते हम लोग, इसको रीड एज या इसका सेंस क्या होता है, प्रोजेक्शन। This is the projection of vector b. B vector का projection onto a. Projection of b onto a. समझ पाए बात को। और ये जो चीजें होती है, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये perpendicular होता है। आप इसे फील भी कर सकते हो, जैसे light को जब तुम ना इस पब्लिकली वाली कोई भी चीज है इस पे सीधा डालोगे तो यहां से एक शैडो बनेगा, ये डार्क एरिया बनेगा, तो ये वाला भी डार्क एरिया बनेगा, एकदम सीधा बनेगा डार्क एरिया, एकदम पूरा परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, इसीलिए परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको। अब आ जाओ, अब हम चाहते हैं, सुनना जरा, अब हम चाहते हैं कि ए का कुछ काम बी की तरफ भी किया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए पे रखेंगे टॉर्च, है ना, ए पे टॉर्च रखेंगे और ए से परपेंडिकुलर एक शैडो बनेगा बी की तरफ। यस और नो, ए से परपेंडिकुलर शैडो बनेगा बी की तरफ बाबू, है ना, छोटा हो जाएगा क्या, चलो कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ, ऐसे ही समझ रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वैल्यू कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। हमने अभी क्या ड्रॉ किया है, हमने अभी ड्रॉ किया है ए का वैल्यू, मतलब ए का शैडो बी पे, इसका नाम एन दे देते हैं। बोलो समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो हमने ए पे ड्रॉ किया, ए का शैडो बी पे बना, जिस तरह से बी का शैडो ए पे बना और उसको हमने कहा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, उसी तरह से जब ए का शैडो बी पे बनेगा तो क्या बनेंगे इसको, बोलो यहां पे क्या आएगा, ओ एन। ओ एन को आप क्या कहोगे, बोलो ए कॉस थीटा की बी कॉस थीटा, जल्दी बोलो फटाफट, बोलो ए कॉस थीटा बोलोगे, एक साइन थीटा बोलोगे, बोलो ना भाई, कॉस थीटा ही बोलेंगे ना हम लोग। एक चीज देखो, थीटा का बेटर सीख चुके।
चुके हैं, पहले भी हमने कहा था इसका वैल्यू इसके अलाउंड cos थीटा, इसका वैल्यू इसके अलाउंड इसका cos थीटा, काम बन जाएगा तुम्हारा। इसे हम क्या लिखेंगे, ओ एम टू क्या लिखेंगे, ओ एम आएगा आपका ए cos थीटा, ए cos थीटा। और इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसे पढ़ते हैं या इसका मतलब क्या है, पढ़े कहें या मीन्स कहें, रीड एज या मीन्स एक ही बात है, दोनों का मतलब हो या पढ़ते कैसे मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ बोला जाए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। छापो पहले इसे, वीडियो ऑन रखा करिए बाबू लोग, बार बार एक ही बात बोलने में ठीक नहीं रहता है। ये तो रहा शब्दों का खेल, अब देखो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब ये तो रहा प्रोजेक्शन की बात, अब देखो हाँ सवाल ऐसे भी आता है, प्रोजेक्शन पे सवाल आता है कि इसका प्रोजेक्शन फाइंड करो, तो अगर आपको क्वेश्चन आए और ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन की कहानी हो, हमें लगता है कि आप बात को पकड़ लेंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, चिंता मत करो। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बचा हुआ है, थोड़ी चीजें जो हमें समझनी है किसका यूज किया है वो समझा के फिर क्वेश्चन करवाते हैं प्रोजेक्शन वाले, वैसे प्रोजेक्शन डिटेल्स में मैथमेटिक्स में तो भी पढ़ना है, प्रोजेक्शन की भी दो टाइप्स होंगे तो मेरे स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वगैरह सब होगा, हम लोग इस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। या समझ लो नहीं, कौन सा वाला स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट की कहानी है ना, स्केलर यहाँ पर प्रोजेक्शन कैसा होगा, उस प्रोजेक्शन का नाम क्या होगा स्केलर प्रोजेक्शन, ऐसे भी समझ सकते हो। स्केलर प्रोजेक्शन निकालने के लिए बाई वाला क्या करेगा, तो पढ़ा तो रहे ना, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो लास्ट में बोले ना कि भाई स्केलर प्रोडक्ट में कर रहे हैं, तो ये स्केलर प्रोजेक्शन हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बाद में वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। हमें तो बायो वालों का भी ख्याल रखना है ना, इसलिए तो हम बता दे रहे ना। और जिसको इस टॉपिक में पीएचडी करनी है वो सीखना है उसको, बायो वालों को फिजिक्स पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है, मेनली फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के लिए इतना ही था। और इसमें मान लो तुम्हें पीएचडी करनी है, काफी डीप नॉलेज चाहिए जो कि नीट से कोई मतलब है नहीं, बायो को लिंक नहीं है या फिजिक्स को इतना ज्यादा मतलब नहीं है, तो उसके लिए आप मैथमेटिक्स पढ़ो। आइए मिटाई से वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया ना साफ साफ, इसलिए मिटा रहे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम यूज करेंगे इसे मिटा। और जिनको जिनको एडमिशन कराना है, वैसे भी मनीषा को पूछ रहे थे एडमिशन के बारे में, तो जिनको जिनको एडमिशन कराना है, हमने बताया था कि जो लोग सीबीएसई वाले हैं चिंता मत करो, उसको सीबीएसई में रहना, बिहार बोर्ड वाले के चक्कर में मत जाओ, अगर पढ़ना है तो बिहार बोर्ड के चक्कर में मत जाओ, हाँ नहीं पढ़ने का मन है तो बिहार बोर्ड में एडमिशन करा ले, ऐसे भी पास कर जाएंगे। और जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा तो कहे कि बोर्ड चेंज करिएगा, रहने दीजिए सीबीएसई आपका ठीक रहेगा। बात में एडमिशन वेडमिशन का वो हम बात किए हुए हैं सराय में, उसके बारे में बताएंगे जल्दी से, आइए बात करते हैं। अब देखो जरा वेक्टर क्या होता है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, ए बी कॉस थीटा होता है, हाँ या यस नो, समझना। अब इसका यूज क्या है वो समझेंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का यूनिक डिफिनेशन पता कर रहे हैं, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमें एक स्केलर प्रोडक्ट का एक डिफिनेशन मिलेगा। जैसे इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया, स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो बात हमने सीखी थी जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आए तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। निकाला कैसे जाएगा, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू उसके बीच का कोसाइन एंगल लेना है,
जिसको ए डॉट बी कहा जाता है, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड के बीच का प्रोडक्ट करना है विथ देयर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उसके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन के साथ कर लेना है, काम आ जाएगा तुम्हारा। ये तो हमने अभी तक सीखा। अब यहां से एक और चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, एक नया डेफिनेशन सीखने वाले हैं, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब बताओ ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखोगे, यस और नो? ए डॉट बी ए, यहां पे कैमरा आ रहा है इसमें रिकॉर्डिंग, ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा बोलो, ए बी कॉस थीटा लिखोगे आराम से। अब आप हमें बताइए, सुनना जरा, अगर हम इसे ऐसे लिखें ए बी कॉस थीटा, तुम्हें कोई आपत्ति होगी, कोई किसी को आपत्ति है इसे ऐसे लिखने में? नहीं है। या इसे हम ऐसे लिखें बी ए कॉस थीटा, कोई आपत्ति है तुम्हें इसे लिखने में? इसे अगर हम ऐसे लिखें ए को बाहर कर ले और बी कॉस थीटा लिखें, या बी को बाहर कर ले ए कॉस थीटा लिखें, क्या ये बदल जाएगा? क्या ये बदलेगा? वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी, कुछ कहानी नहीं बदलेगी, सिंपल चीजें रहेंगे एकदम बिल्कुल, क्योंकि एक तरह का ये स्केलर है, स्केलर में ऐसी कहानी आप कम्यूटेटिव वगैरह फॉलो कर ही रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी करो बी इंटू ए करो सेम रिजल्ट देगा तुम्हें, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो तुम्हें बी कॉस थीटा से मुलाकात हुई थी याद है, अभी जस्ट बी कॉस थीटा से मीट हुआ था नहीं हुआ था बोलो, और ए कॉस थीटा से मुलाकात हुई थी बोलो, ये बी कॉस थीटा क्या था बोलो भाई, बी कॉस थीटा क्या था, ओ एम था बोलो, और ए कॉस थीटा क्या था, ए कॉस थीटा ओ एम था, आई बात समझ में? ये बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ओ एम था और ए कॉस थीटा ओ एम था, अभी जस्ट हमने सीखा है। और इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, इसको पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ये चीजें हमने आज सीखी है। पिछले क्लास की बात करें, बी कॉस थीटा क्या होता था, बी कॉस थीटा को आपने एक और नाम से पुकारने के लिए सीखा है अपने जस्ट पिछले क्लास में, कंपोनेंट ऑफ बी, सुनना सुनना सुनना, इसको ऐसे पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग अलोंग ए ना, बोलो ना जी, पिछले क्लास में सीखे थे याद है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए निकालने के लिए तरीका हम क्या बोले थे आपको, वो सिखाए थे, सवाल करवाए थे ना भाई, बी का ना हमें थीटा एंगल पे ए का अलोंग, ए के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या बोले थे, कुछ नहीं करना है सीधा बी कॉस थीटा कर देना है, यस और नो बोलो, समझ रहे बात को हर्ष कुमार? हाँ, तो वीडियो का है ना, तुम लगता है लाल लगता है, सबसे ज्यादा डर तुम्हें क्या लगता है, घूमने चला जाता है, वीडियो ऑन रखा करो, अगर लाल लगता है तो चद्दर लेके मुंह ढक लिया करो, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, मास्क वास्क पहन लो, मुंह कोई नहीं देखेगा ऐसे, है ना? हाँ मास्क वास्क एकदम से मास्क पहन लो, मुंह नहीं देखेगा, ऐसा लगता है, गमछा उमछा बांध लो। वीडियो ऑन रखने का मतलब हुआ कि हम देखेंगे ना कि तुम्हारी एक्टिविटी क्या है, पढ़ रहे हो कि पढ़ा रहे हो कि खेल रहे हो कि कोई डांस कर रहा है, नहीं कर रहा है। आइए विज्ञान सीखो, देखो बी कॉस थीटा तो हमने कहा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, हम लोग समझ रहे हैं ना, इसको मत करते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मन में रख लेते ना। आइए आइए अब वेक्टर को डिफाइन करें, स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करें, स्केलर प्रोडक्ट, अब सुनना डेफिनेशन बता रहे, स्केलर प्रोडक्ट क्या देगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग दैट द प्रीवियस वेक्टर, थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी हो गया, हिंदी में बात करें, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग, ए के अलॉन्ग बन के रख लिया कि बीच का प्रोडक्ट होता है, कि बीच का प्रोडक्ट होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, लेकिन दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट किधर, पहले वेक्टर के अलॉन्ग। उसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जिसमें से एक वेक्टर, मान लो सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट किसके अलॉन्ग, सेकेंड वेक्टर के अलॉन्ग का प्रोडक्ट होता है। इसको लिखा भी देंगे, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझ रहे, थोड़ा ज्यादा लंबा सेंटेंस है, सेंटेंस लंबा है लेकिन भावनाओं को समझो। ये आपका, इसको तुम ओ एम कहो, है ना, ओ एम कहो, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग, इसको लिखना है डेफिनेशन, अलॉन्ग ए जिसको हम लोग कहते हैं, एक लाइन को और क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू, ऑन टू ना, इनटू क्या, ऑन टू था ना, ऑन टू ए, पूरा लाइन आ गया बोल रहे ना, हाँ पूरा लाइन आ गया उसमें भी आ गया। और इसी तरह से ओ एन को क्या लिखेंगे, ओ एन को ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज दी कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, यस बोलो, है ना, वेरी गुड, प्रोजेक्शन टाइम, स्केल प्रोडक्ट आज खत्म हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट समय बचा तो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कंसेप्ट हो ही गया है, क्वेश्चन करवाना है। क्या ठीक है, और कुछ बच्चे आएंगे क्या, छापा सबने, अब जो लाइन लिखने वाले लिखें, वेरी गुड, आइए अब लाइन लिखते हैं, लिखना सबको, यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ए डॉट बी को स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, ए डॉट बी, सुनना बात, ए डॉट बी का हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिखना है ए, सुनना, ए क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, जैसे ए को मान लो हमने नाम दे दिया फर्स्ट वेक्टर, बोलो प्रोजेक्शन ऑफ, हाँ इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, स्टेटमेंट में लिख रहे हैं ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ
फर्स्ट वेक्टर नाम दे दे, फर्स्ट सेकंड चलेगा ना, मान लो ना फर्स्ट वेक्टर, इसके बाद क्या है बोलो, इसके बाद क्या है, ये क्या है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक ही बात है सर, सब एक ही बात है, यस, इनटू इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग, अलोंग कहे या ऑन टू कहे, अलोंग फर्स्ट वेक्टर, ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फर्स्ट कुमार समझा, इसके लिए प्रोडक्ट का ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कितना परसेंट, हाँ सब वेरी गुड, इसको क्या लिखते थे, ए इंटू बी कॉस थीटा, ये था ना, हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लिया, ए का मैग्नीट्यूड ले लिया और प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग दी फर्स्ट वेक्टर ले लिया, बोलो है ना, ऊपर वाला मिटाए थोड़ा सा, ये वाला अगर, या और आप इसे इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ए डॉट बी को आप ये कह सकते हैं क्या, दूसरी लाइन में मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर अलोंग सेकेंड वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, है ना, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर अलोंग सेकेंड वेक्टर, एक ही बात है, मतलब बी ए कॉस थीटा, यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आइए सवाल करें, यही थी थोड़ी छोटी मोटी बातें, छोटी मगर मोटी बात है ना, छाप रहे आप लोग, अच्छा छापिए एक सवाल करें, कितना टाइम हो गया, एक सवाल करेंगे, आज क्लास 10 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ, तो मनीष कुमार लेट से आया, छापा सबने, छापना कोई जरूरी नहीं है, मैटर को समझिए, है ना, अब आइए सवाल करें, खूबसूरत से सवाल, प्रोजेक्शन की आसान सा पेज है आपके सामने, अभी तक लॉकडाउन के बाद जितने भी क्लासेस हुए हैं ऑनलाइन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे चैनल का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नहीं करिएगा करिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है, डेली का डेली वीडियो क्योंकि टेलीग्राम पे जानेंगे टाइम भी लग जाता है बड़ा और सारे बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते, यूट्यूब तो सब लोग चलाने जानते हैं और इसको कभी भी खोलना एक्सेस करना आसान रहता है, इसीलिए चलिए सवाल है, फाइंड द एंगल बिटवीन, दो चीजें पूछ रहे हैं आपसे साथ में प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स दे रखा है एफ, जिसका है 3i 4j-5k, चलो कोई बात नहीं, 3i + 4j
माइनस 5 के न्यूटन, ये फोर्स है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी है जो दे रखा है हमें 543, 5i 4j प्लस 3 मीटर, ठीक है, इतना मीटर। पहली चीज है आपको अब पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ, ऑल्सो फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन एफ, तो ये फाइंड कर लोगे काम चल जाएगा। पहला काम तो आप लोग एंगल फटाफट हमें बताइए। देखो एंगल इसलिए बोलती है कि हम बोले ना बोले तो एंगल निकालना ही पड़ता है, ऐसा मत बोलो, बुरा मत मानना कि सर दाव एंगल निकालना की पूछ रहे हैं भाई, चलो हम एंगल नहीं भी पूछते ना तभी भी तुम्हें एंगल निकालना ही होता, इसीलिए हम काहे अपने तुम लोगों पे कहते हैं, खुद ही बोलते एंगल निकालो, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन निकालना है जब डी कॉस थीटा करना पड़ेगा ना, तो कॉस थीटा आप करोगे अब्दुल बैठ का बेस से। पहले एंगल फटाफट आपको बताइए एंगल कितना आएगा, हो सकता है रेंडम आए कॉस इनवर्स के फॉर्म में आए तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस इनवर्स के फॉर्म में रहना। अगली क्लास से देखो जिसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा मुंह खुला देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे, आज छोड़ रहे अब क्लास बोल रहे हैं अगली क्लास से वीडियो ऑन रखोगे सब लोग, सबसे ज्यादा सर हम लड़का सबको रखता है, एक ही लड़का वीडियो ऑन में रखता है। बिना वीडियो ऑन का क्लास आओगे चद्दर ढक के क्लास में बैठे रहोगे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा है ना, कितना आया कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा निकालना है तुम्हें समझो 16 बाय, सही है 16 बाय 50, 16 बाय 50 सही है, हाँ सही है 16 बाय 50 है नहीं। तो देखो कैसे करते हैं इसके एफ डॉट डी करते हैं, क्योंकि आपको पता है फोर्स दे रखा है, फोर्स इक्वल टू जैसे बोर्ड पे लिखा वैसे छपना होगा, फोर्स इक्वल टू 3i + 4j - 5, ये फोर्स दे रखा है ग्राम ऊपर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 5i + 4j + 3j है ना, इतना मीटर। हमें कॉस थीटा निकालना है, तो थीटा निकालेंगे सबसे पहले आपको एफ डॉट डी करना पड़ेगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे तो 3i + 4j - 5k क्या लगाना भूले मत, 5i + 4j + 3k। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाए तो क्या आप जरूर लगाया करें, ऑब्जेक्टिव में आपको आई के साथ आई का काम खत्म, 5 किया 15 प्लस 4 चौक 16 5 15 15 15 खत्म बराबर 16 आया एफ डॉट डी। अब एफ का मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना पड़ेगा, एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3² + 4² - -5 का स्क्वायर, तो बताओ कितना आएगा बाबू, 3 3 9 4 4 16 5 25 16 9 25 25 होता है 50, वेरी गुड 50 आएगा। उसी तरह से डी का मैग्नीट्यूड बता दो फटाफट, डी का मैग्नीट्यूड भी हमें लगता है सेम ही आएगा, सेम आएगा हाँ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अच्छा 75 3 लाख 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 25 + 16 + 9 सेम आएगा √50, वेरी गुड। यहां तक सब लोगों ने किया, यहां तक छापा सबने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या करता है हमें कॉस थीटा करना है, आपको पता है कि एफ डॉट डी इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, यस, तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा एफ डॉट डी, बोर्ड पे
देखो ध्यान से बाबू, छापो नहीं, हम नोट्स लिख रहे हैं ना। एफ बाय एफ डी, अब बताओ एफ डॉट डी कितना आया? देखो एफ डॉट डी आया है 16, और एफ डी, एफ का वैल्यू कितना है? रूट 50 और रूट 50, तो 50 50 50 मिलके 16/50 हो जाएगा। ये हुआ कॉस थीटा का वैल्यू 16/50। किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। अरे अंकित म्यूट करो, ठीक है इसको साफ करें, चलिए फटाफट साफ करते हैं इसे। अब हम लोग आते हैं, पहला काम हो चुका। अब हमें पूछ रहा है कि एफ ऑन डी है ना, एफ का प्रोजेक्शन ऑन डी याद है, हम क्या लिखते थे? बी ऑन ए, बी ऑन ए, बी ऑन ए का मतलब होता है बी कॉस थीटा, शॉर्ट में है ना बरसात, बी कॉस थीटा। और अगर ए ऑन बी बोले, ए ऑन बी का मतलब होता है क्या? ए कॉस थीटा है, ए का वैल्यू बी पे, ए कॉस थीटा। तो देखो एफ ऑन ए मतलब फोर्स का वैल्यू डी पे, बोलो बोलो बोलो, फोर्स का वैल्यू पहला, एफ ऑन डी का मतलब क्या हुआ? एफ ऑन डी का मतलब हुआ एफ का वैल्यू डी पे, एफ कॉस थीटा, यस और नो? एफ कॉस थीटा, बोलो। उसी तरह से एफ का वैल्यू कितना है? ये एफ क्या है? एफ इज दी एफ का मैग्नीट्यूड, और एफ का मैग्नीट्यूड रूट 50 आया था, यस और नो? 50। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया? 16/50, 16/50, वेरी गुड, 16/50, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे सर इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखिए, थोड़ा सुंदर लगेगा, आई जी के फॉर्म में। याद करिए, याद करिए, सुनो सुनो सुनो, अगर कंपोनेंट, कंपोनेंट वाला टेक्निक, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी तो क्या होता था? ए ओ, क्या लिखते थे? कंपोनेंट ऑफ ए ऑन, कंपोनेंट ऑफ ए, ऑफ ए अलोंग, अलोंग बी, याद करो तो क्या होता था? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा किसका कैप? बी का कैप। सुनो 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 सुनो, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ये आपने क्या निकाला है? कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी, तो किसका कैप लेना है? बी का कि एफ का? बी कैप, यस यस यस। इसका मतलब अगर आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आपको डी का कैप निकालना पड़ेगा, और डी का कैप क्या होता है? वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर डी आपको पता है? यस सर, वेक्टर डी पता है, बोलो बोलो। 5i + 4j + 3k, आप बताइए डी का मैग्नीट्यूड पता है? यस सर, डी का मैग्नीट्यूड कितना है? 50। बस ये चीजें यहाँ पे सिर्फ करो, कहानी खत्म करो, मतलब हो गया आपका आंसर क्या होगा? ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी अगर आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो, रूट 50 × 16/50, यस और नो? वेरी गुड। और लिखोगे क्या? लिखोगे डी कैप। डी कैप का वैल्यू क्या है? 5i + 4j + 3k बाय रूट 50। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 50-50 कटा दे, 50-50 आप आराम से कटा भी सकते हैं, 50-50 गया काम से। तो ये हो गया आपका कितना? 16/50, 5i + 4j + 3k इज दी कंप्लीट आंसर, इज दी कंप्लीट आंसर। और सेकेंड वाला आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क, सेकेंड वाला जो है ये होमवर्क, सेकेंड वाला हो गया होमवर्क। समझ पाए बात को? यस और नो? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पूछो जरा पूछो, कोई डाउट है? आंसर छाप ले, आंसर छापने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नोट्स भेज देंगे, नोट्स में आंसर रहेगा। यहाँ पे समझने में एक कोई भी दिक्कत है तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर के पे प्रोजेक्शन निकालना हो, जैसे एफ वेक्टर का डी के प्रोजेक्शन, तो पहले एफ और डी के बीच का एंगल तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है तुम्हें? एफ का प्रोजेक्शन ऑन डी का मतलब होता है एफ कॉस थीटा, तो एफ का मैग्नीट्यूड करना है कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन एफ एंड डी। और अगर आप इसके वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है?
ये साथ में हो जाता है डी का कैप, ये साथ में डी का कैप होता है, ये तुम्हें भली बात ही ज्ञात है ना, डी का कैप। तो डी का कैप आपको निकालने आता है, वेक्टर पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लिए और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। चलिए इसी में किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो, नहीं तो फिर क्लास ऑफ करें। अब्दुल यस सर, इसको ऑन ऑफ करो, बंद कर दो सर। हाँ।